ह्यूमन टीथ ओरल और बकल कैविटी का पार्ट है, सेकंड पार्ट टीथ, और इससे पहले लेक्चर में हमने कहा था ह्यूमन टीथ डायफायोडोंट होते हैं, डायफायोडोंट, हेट्रोडोंट एंड किकोडोंट। ह्यूमन टीथ आर डायफायोडोंट, हेट्रोडोंट एंड किकोडोंट। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे टर्म्स को। सबसे पहले हम हेट्रोडोंट को एक्सप्लेन करेंगे। हेटेरो इट मींस डिफरेंट, ओडोंट, ओके, ओडोंट ये टर्म हम टीथ के लिए सफिक्स के फॉर्म में यूज करते हैं। यहाँ पर हेटेरो का मीनिंग हो जाएगा डिफरेंट, एंड ओडोंट का मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू टीथ। स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंट, ओडोंट ये टीथ से रिलेटेड होते हैं, इसलिए सभी में ओडोन सफिक्स आया है टीथ के। डॉक्टर जो केयर करते हैं टीथ का उनको हम बोलते हैं डेंटिस्ट। जो ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं डेंटिस्ट, डॉक्टर्स ट्रीट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टीथ। डेंटिस्ट डेंटिस्ट कहते हैं। वेल रिसर्चर्स रिसर्चर्स स्टडी अबाउट टीथ प्रॉब्लम्स and their solutions called as odontologists. Okay. So, the problem को treat करते हैं जो हमारे आसपास में डॉक्टर होते हैं दांत के, उनको हम डेंटिस्ट कहते हैं। वही जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क करते हैं टीथ से, टीथ के लिए कौन से वहाँ पर केमिकल बनाए जाए, टीथ से रिलेटेड वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम नई नई आ रही है, कैसे उनको क्योर करने के कौन कौन सी मेडिसिन वगैरह या ट्रीटमेंट्स निकाले जाए, उनको हम उन रिसर्चर्स को ओडोंटोलॉजिस्ट टर्म देते हैं। तो अभी हेट्रोडोंट ये टर्म क्यों यूज किया, डिफरेंट टीथ क्यों रिप्रेजेंट किया? तो ह्यूमन टीथ फोर डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये आप बहुत ही छोटे क्लासेस से 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे होंगे। ह्यूमन टीथ आर
of four types. Okay, कौन कौन से? मोलार, प्री मोलार, वेरी गुड, इंसिजर, गर्स, प्री मोलार एंड मोलार, कैनाइन्स, मोलार एंड प्री मोलार, मोलार्स एंड प्री मोलार्स. सर वो बोर्ड के बाहर जा रहे हैं. सर बोर्ड इज नॉट विजिबल. ओके, नाउ इज इट क्लियरली विजिबल? यस सर. यस सर. ओके, देन हमने यहाँ पर कहा है कि ह्यूमन टीथ फोर टाइप्स के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, मोलार्स एंड प्री मोलार्स. फोर टाइप के टीथ होते हैं. तो जनरली इंसिजर्स इंसिजर्स फ्लैट इलॉन्गेटेड टीथ होते हैं, जिनको हम फ्रंट टीथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे जो फ्रंट के अपर जॉ में फोर टीथ है और लोअर जॉ में फोर टीथ है, ये है इंसिजर्स. देन अपर जॉ में फोर इंसिजर के राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ऐसे दो, और ऐसा ही सेम लोअर जॉ में फोर इंसिजर के राइट साइड और लेफ्ट साइड टू कैनाइंस वहां पर प्रेजेंट है, जो शार्प होते हैं, शार्प चिजल लाइक इस शेप में. ओके, इसकी रूट नहीं बना रहा हूं मैं, बस ओनली क्राउन बना रहा हूं, अपर पार्ट बना रहा हूं. ठीक है, वेल मोलार्स एंड प्री मोलार्स में कस्प होते हैं. मोलार्स में टू कस्प होते हैं. ओके, और प्री मोलार्स में सिंगल कस्प होता है. तो फोर टाइप के टीथ हमारे पास में होते हैं. इंसिजर, इंसिजर के लिए एवरी आई यूज करेंगे वहां पर शॉर्ट आई सी एम पी एम, इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं तीन टाइप के टीथ. फिर वहां पर डायफ्राम के बाद में Done? Yes, sir. Okay. So heterodont मतलब four type के हैं. तो हमारे teeth सभी teeth same नहीं है. Okay? Identical नहीं है. Four different type के मिलते हैं जब उनको हम observe करते हैं, तो इसलिए वो heterodont. Second term है diphyodont. सेकंड टर्म है डायफायोडोंट. ओडोंट मतलब टीथ, डायफायो इट मींस डाय मतलब टू. ओके, तो इरप्ट ट्वाइस in a lifespan. Okay, पूरी जिंदगी भर में दो बार
इरप्शन होता है, मतलब दो बार उठते हैं ये दाब, ठीक है, दो बार आते हैं, therefore termed as diphyodont. Okay. तो पूरे लाइफ स्पैन में दो बार इरप्ट होते हैं, ठीक है, टीथ का इरप्शन दो बार होगा पूरे लाइफ स्पैन में, इसे डायफायरोडोंट बोलते हैं. ओके, तो क्या पूरे 32 टीथ जैसे किसी एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में मिलता है, तो क्या उसने दोनों बार इरप्ट होते हैं, दोनों बार आते हैं? तो हम कहेंगे नहीं. फर्स्ट टाइम आने वाले टीथ को हम बोलते हैं मिल्क टीथ और डेसिड्यूस टीथ. मिल्क टीथ और डेसिड्यूस टीथ. आप में से कोई बताएगा बेटा डेसिड्यूस का मीनिंग? Deciduous means deciduous का मीनिंग कोई बता पाएगा बेटा? सर deciduous का मीनिंग मतलब वो आता है और फिर वो झड़ जाता है ऐसा. Falling off. Good. Good. Deciduous it means to fall. Okay. That can be fallen off. Good. Falling off. Yes. जो क्या हो सकता है? Fall down हो सकता है, मतलब गिर सकता है. Okay. एक बार आने के बाद में गिर सकता है. जैसे आपने पढ़े होंगे डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ये टर्म यूज किया आपने 9 10th में कहीं पर इकोलॉजी पढ़ते समय? यस सर. हां सर था ना 9 10th में आपको फॉरेस्ट में था ना डेसिड्यूस फॉरेस्ट? यस तो उन फॉरेस्ट का नाम डेसिड्यूस फॉरेस्ट क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो ऐसे एरिया में मिलते हैं जैसे कि सेंट्रल इंडिया में ज्यादा मिलते हैं, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र का विदर्भ वाला पार्ट जो हम नागपुर में रहते हैं, तो उसके आसपास वाले एरिया, ठीक है, तो वहां पर ज्यादातर जो फॉरेस्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो डेसिड्यूस फॉरेस्ट का पार्ट है. मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में वहां पर लीप फॉल देखा जाता है. ओके, लीप फॉल देखा जाता है, तो लीप शेड करते हैं, लीप फॉल होता है और फिर नई लीव्स आती है उन प्लांट्स के ऊपर, इसलिए उनको बोला जाता है डेसिड्यूस फॉरेस्ट. तो डेसिड्यूस का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ और फॉलन डाउन, ठीक है, टू फॉल मतलब जहां पर कुछ चीज गिरेगी, टूटेगी, निकलेगी, अपने जो मेन पार्ट है वहां से रिलीज आउट हो जाएगी. तो सच टाइप ऑफ टीथ जो कभी गिरने वाले हैं, टूटने वाले हैं. ओके, तो आपने देखा होगा कि जब आप छोटे बच्चे थे, ओके, तब अगर आपको याद हो अगर कोई इंसिडेंट, तो आपने देखा होगा कि आपका जो है बचपन के दांत जो है वो टूट जाते थे, तो खिड़की दरवाजे बन जाते थे छोटे मोटे, ठीक है, कभी एक गिर गया, कभी दो गिर गए. ओके, तो अच्छे क्यों लगते हैं छोटे बच्चे, लेकिन बड़े बच्चे अच्छे नहीं लगते दांत गिरने पर, इसलिए ध्यान रखना ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहिए कि जिससे बाद में हमारे टीथ जो है वो फॉल. तो मिल्क टीथ और डेसिड्यूस टीथ, डेसिड्यूस टीथ का मतलब है कि ये फॉल होंगे. ओके, अब ये फॉल होने वाले हैं, तो ये टोटल कितने हैं टीथ, मतलब ये और किस में आते हैं डेसिड्यूस टीथ? मिल्क टीथ ये चाइल्डहुड में आते हैं. ओके,
जनरली हम बात करते हैं कि जो इन्फेंट्स में जो टीथ आना शुरू होते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ. तो फाउंड इन इन्फेंट्स. ओके, ये कहां तक रह सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा ये प्यूबर्टी तक रह सकते हैं, 13 ईयर के आसपास की एज तक रह सकते हैं. ठीक है, हार्डली. ओके, स्टार्टिंग में जो है ये आना शुरू होते हैं अबाउट कुछ बेबी में 6 मंथ के बाद में इरप्ट होना शुरू हो जाता है फर्स्ट टीथ. ओके, फर्स्ट टीथ कुछ में आफ्टर 1 ईयर, बर्थ के 1 ईयर के बाद. तो अबाउट 6 मंथ के बाद में फर्स्ट डेसिडियस टीथ आना शुरू हो जाता है. धीरे धीरे वो जो है वो ग्रो करने लग जाते हैं. ठीक है, और मैक्सिमम ये 20 टीथ आपको चाइल्ड अप टू 8 to 10 ईयर्स ऑफ एज. ओके, इसमें आपको 20 टीथ मिलेंगे यहां तक, ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, फिर धीरे धीरे ये फॉल होते रहते हैं. जैसे सबसे पहला टीथ हमने कहा कि अगर 6 मंथ का था कोई बेबी और उसमें आना शुरू हुआ. ओके, कुछ कुछ बेबीज में 1 or 2 ईयर लग जाते हैं टीथ आने के लिए, फर्स्ट मिल्क टीथ आने के लिए. तो उसी ऑर्डर में एक फॉल भी होते हैं. ऐसा नहीं होता कि सभी 20 टीथ एक साथ में आ गए और सभी 20 टीथ एक साथ में फॉल हो गए, ऐसा नहीं होता. ओके, वन आफ्टर द अदर टीथ इरप्ट होते रहते हैं, फॉल होते रहते हैं. यस, लेकिन उनको टाइम लगता है. तो पहले कुछ सालों तक तो इन्फेंट के पास में ओनली मिल्क टीथ होते हैं, डेसिडियस टीथ होते हैं. लेकिन जैसे जैसे फॉल होना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद में उनकी जगह रिप्लेसमेंट जो है परमानेंट टीथ लेने लग जाते हैं. सेकंड टाइप के टीथ को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ. इन्हीं को हम एडल्ट टीथ भी कहते हैं. एडल्ट टीथ या परमानेंट टीथ कब इरप्ट होना शुरू हो जाते हैं? तो जैसे कोई मिल्क टीथ फॉल होता है तो उसके बदले में वहां पर परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. ओके, लेकिन थोड़ा इरप्शन में टाइम लगता है. ओके, और एडल्ट टीथ इट मींस ये एडल्ट्स में मिलेंगे मोर देन 18 years of age. Okay, तो ऐसे human beings जिनकी एज मोर देन 18 ईयर है उनमें आपको परमानेंट टीथ दिख सकते हैं. ओके, परमानेंट टीथ मिले. तो परमानेंट टीथ का टोटल नंबर या मैक्सिमम नंबर कितना होता है? परमानेंट टीथ का नंबर होता है यहां पर 32. ओके, लेकिन हमने कहा कि मिल्क टीथ चाइल्डहुड में है और 20 है, 30 टीथ एडल्टहुड में आपको आएंगे वहां पर. फिर अभी आपकी जो एज है, ओके, अभी आपकी जो एज है सबकी एज 15-16 के आसपास होगी. ओके, है ना, कोई ऐसा तो नहीं है ना स्टूडेंट क्लास में कि जिसकी एज मोर देन 18 इयर्स है, है क्या कोई? या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी एज लेस देन 13 ईयर है, है कोई? नहीं ना, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी पर्टिकुलर आप 11 स्टैंडर्ड में है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एज जो है वो 14-15-16 के आसपास 100% होना ही चाहिए. ओके, डेट ऑफ एडमिशन आपका जो है उसके अकॉर्डिंग आप 11th स्टैंडर्ड में आ रहे हैं तो उसके लिए आपकी एज 14 इयर्स से ज्यादा ही होनी चाहिए और 16 इयर्स के आसपास होना चाहिए. ओके, 16-17 के आसपास. तो ये जो एज है तो हमने तो कहा मोर देन 18 वाले के पास में 32 और चाइल्ड जो चिल्ड्रन जो वहां पर 18 इयर्स के आसपास के होंगे उनके पास में 20 टीथ. तो आपके पास में कितने टीथ होंगे?
आपके पास में अभी कितने टीथ होना चाहिए आपकी एज वाले से? 28. ईमान ने बोला है 29. 28. यशस्वी 27 to 28. ये शायद क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में पूछा था एक बार पहले भी. यस क्लास फिर तो आपका एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए ना बेटा 28 टीथ. ओके तो जो एडल्सन की एज में तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अ बॉय और गर्ल और उसकी एज भी दे दी जाए लाइक 17 ईयर ओल्ड बॉय और गर्ल ऐसा बोल दिया जाए 17 ईयर बॉल्ड है कोई नाम कुछ भी दे दिया जाए राम श्याम कुछ भी वहां पर दे दिया जाए कोई गर्ल है उसका नाम दे दिया जाए या फिर कुछ भी तो आपको वहां पर 17 ईयर ओल्ड बोला है मतलब लेस देन 18 है और इससे बड़ा है ठीक है तो मिल्क टीथ से तो ज्यादा ही टीथ होंगे और एडल्ट टीथ से कम होंगे तो कितना तो तब आपको आंसर लिखना है 28. ओके Adelson. टीथ का नंबर हो जाएगा 28 टीथ. ये जो टीथ है इस तरह से 20 या 32 है और इनका नंबर कैसे आता है तो 32 पहले तो कैसे है 32 तो अपर जॉ में एक सेकंड इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इंसिजर्स हमें पता है 4 टाइप के टीथ होते हैं incisors, canines, molars and premolars. Okay. Upper jaw. Awesome. Incisors. नीचे की तरफ जॉज को रिप्रेजेंट करेंगे और इधर टीथ को रिप्रेजेंट करेंगे टाइप ऑफ टीथ को रिप्रेजेंट करेंगे इधर और इधर जॉज को रिप्रेजेंट करेंगे इधर अपर जॉ अपर जॉ में 4 इंसिजर्स 2 कैनाइंस 4 प्रीमोलार्स एंड 6 मोलार्स 6 प्रीमोलार्स ओके व्हाइल लोअर जॉ में 10 यहां पर ओके जो 32 टीथ है 32 टीथ इस तरह से अरेंज होते हैं ओके कैसे अरेंज है ये इसको अभी हम आगे रिप्रेजेंट करते हैं डन बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट हो गया बेटा यस
ओके ये जो रिप्रेजेंटेशन है इंसिजर केनाइन प्रीमोलर्स इनका जब हम नंबर को असाइन करते हैं तब ऐसे अरेंजमेंट को हम टर्म देते हैं डेंटिशन अरेंजमेंट ऑफ टीथ बकल कैविटी is known as dentition. Okay, इसलिए human dentition जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब है कि वहां पर heterodont है four type के है फिर diaphyodont है and thicodont है तो dentition मतलब arrangement of teeth तो teeth से related जो कि हम represent करने वाले यहाँ पर वो dentition का होगा नेक्स्ट स्टेप डेंटल फॉर्मूला तो हम डेंटल फॉर्मूले पढ़ेंगे यहां पर एक पढ़ेंगे मिल्क टीथ के लिए और डेसिडियस टीथ और मिल्क टीथ सेकंड पढ़ेंगे और एडल्ट टीथ और परमानेंट टीथ डेसिडियस टीथ या मिल्क टीथ के लिए डेंटल फॉर्मूला है 2102 2102 ओके अब ऐसा मत करना कि सर इसको हम डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा इसको आपको डिवाइड नहीं करना है ये जो लाइन ड्रॉ की है लाइन के अबव जो दिया है अबव द लाइन जो लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है अपर जॉ के टीथ के बारे में और जो बिलो द लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है लोअर जॉ के टीथ के बारे में ओके तो आपको उसको डिवाइड नहीं करना है ओके बीच में किसी का मैसेज आया है मिथि एक सेकंड मिथाली वानखेड़े या फिर किसका मैसेज है बेटा मिथाली तो क्लास में आ चुकी थी सर मिथिल ढगे बेटा बीच में से ऐसे मैसेज नहीं करना आप अभी आए होंगे इसलिए ठीक है मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कौन कौन स्टूडेंट लेट है तो आपको क्लास का टाइम नहीं बताया गया था क्या बेटा नहीं सर मिथिल आपको बायो की क्लास का टाइम नहीं बताया गया था बेटा सर मैंने पहले ही ज्वाइन किया था आपने रिप्लाई नहीं किया था इसलिए टफ फिर से भेजा मैंने नहीं तो मैंने पहले जो आए थे स्टूडेंट उनसे तो मैंने पूछा था कि कौन-कौन से स्टूडेंट जो है वो आज फर्स्ट डे है सर मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट ज्वाइन किया था मेरे को लेट टाइम टेबल मिला था इसलिए और लिंक ओके ओके बेटा मिथिल हम यहाँ पर डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के अंडर में ओके फर्स्ट चैप्टर है आपका यस सर और हम टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पर ओके इसके पहले के लेक्चर के वीडियो आप ग्रुप पर मैसेज सेंड कर देना रिक्वेस्ट सेंड कर देना तो कोई भी स्टूडेंट आपको वो पुराने लेक्चर्स की वीडियोस आपको सेंड कर देगा तो उससे आप आसानी हो जाएगी हम क्या पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ओके बेटा मिथिल
ओके तो डेंटल फॉर्मूली हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने रिप्रेजेंट किया कि जो डेसिडियस टीथ है, फॉल होने वाले मिल्क टीथ है, छोटे बच्चों में जो टीथ आएंगे उनके लिए जब आपको डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको अलग अलग ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से नोट डाउन करके आपको 2102 वाला आंसर चूज करना। अब ऐसा क्यों, ठीक है, इसका रीजन भी हम देखेंगे। और अगर आपको एडल्ट टीथ के लिए पूछा जाता है तो 2123 इस तरह से आपको परमानेंट टीथ का फॉर्मूला आपको वहां पर देना है। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन मतलब इंसिजर, केनाइन, मोलार्स एंड प्रीमोल इस तरह से वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपको अगर बोला कि एडल्ट सन में, ओके, अगर कोई 13 टू 17 ईयर ओल्ड है कोई, उसके लिए 2122 ये डेंटल फॉर्मूला आप चूज करो। ओके, अभी किस बेसिस पर आया है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन होता है डेंटल फॉर्मूले का, उसमें हम ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन के अबोव हमने कहा अपर जॉ के टीथ, ओके, और बिलो लोअर जॉ के टीथ होंगे, ओके। लेकिन फिर अपर जॉ और लोअर जॉ के टीथ को जब हम देखते हैं, तो अपर जॉ के टीथ जो ऊपर 16 अगर मेरे पास में है, तो 16 में से जो राइट हाफ अपर जॉ है, राइट साइड वाला, उसमें जैसे अरेंजमेंट है इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलार, मोलार्स की, सेम वैसी अरेंजमेंट है इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलार, मोलार्स की। ओके, मतलब अपर जॉ में जो दो इंसिजर है हाफ अपर जॉ में, लोअर जॉ वो अपर राइट साइड वाले में भी वही है सेम। ओके, जैसे मैं लोअर जॉ में बताता हूँ आपको, ये दो इंसिजर यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं पैटर्न, फिर थर्ड वाला इंसिजर, फोर्थ वाला इंसिजर यहाँ पर, तो टोटल फोर इंसिजर है लोअर जॉ में। ओके, तो उसके बाद में उनके दोनों के साइड वाइज एक एक केनाइन प्रेजेंट है, तो जब हम इनको राइट और लेफ्ट लोअर जॉ में डिस्टिंग्विश करेंगे, तो राइट लोअर जॉ में इंसिजर 2, केनाइन 1, ओके, लोअर जॉ में इंसिजर 2, केनाइन 1, देन वहां पर प्रीमोलार अब्सेंट है इसमें, ठीक है, एंड देन मोलार्स 2 यहाँ पर आ जाते हैं, तो प्रीमोलार की जगह नहीं खाली है और मोलार्स इधर की तरफ 2 आ जाएंगे, ओके, 2 कस्प वाले टीथ या इधर 2 आ जाएंगे और इधर भी 2 आ जाएंगे, तो 2102, ओके, समझ में आया क्या, ये लोअर जॉ के लिए 2102, ओके, तो 4 इंसिजर थे तो 2 इधर है और 2 इधर है लोअर जॉ में, ऐसी अपर जॉ में भी 4 इंसिजर है तो 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में, अगर हम वहां से अगर सेक्शन करें राइट और अपर, अपर जॉ को भी राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करें, लेफ्ट जॉ को भी राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करें, ओके, तब आप वहां पर काउंट कर सकते हैं कि इस तरह से टीथ का नंबर आएगा तो थर्ड, ओके, इसलिए हम जब डेंटल फॉर्मूला होता है तो सेम नंबर है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, एक ही पोर्शन को, हाफ ही पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इसमें डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला जब नोट डाउन करोगे आप, तो उसमें क्या करना है आपको,
टोटल नंबर ऑफ इंसिजर कैनाइन प्रीमोलार्स एंड मोलार्स फाउंड इन हाफ अपर जॉ. ओके, अपर जॉ में भी ओनली हाफ अपर जॉ को रिप्रेजेंट करना है आपको, राइट साइड या लेफ्ट साइड वाला. नेक्स्ट, उसके बाद लोअर जॉ के लिए भी हम ऐसा ही कंसीडर करेंगे. इंसिजर कैनाइन प्रीमोलार्स एंड मोलार, ठीक है, हाफ हाफ लोअर जॉ. तो लोअर जॉ का हाफ वाला पोर्शन वहां पर भी लेंगे, ठीक है. ये टीथ को रिप्रेजेंट करता है फिर 2102 2102 डेसिडियस के लिए, ठीक है. हाफ नंबर है तो देखो हाफ अपर जॉ में 2102, तो इनका एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा हाफ अपर जॉ में 5. और हाफ बोला है तो पूरे फुल अपर जॉ में कितने हो गए 10. ओके, 10. तो फुल अपर जॉ में 10 हो गए, फुल अपर जॉ में 10. और फुल लोअर जॉ में कितने हो जाएंगे इसी तरह से 10. ओके, तो 10 10 मतलब टोटल कितने हो गए 20. तो इस तरह से आप वहां पर डेसिडियस या मिल्की जो 20 है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ पोर्शन को रिप्रेजेंट करना है, हाफ अपर जॉ को और हाफ लोअर जॉ को. ओके, सेम इसी तरह से एडल्ट या परमानेंट टीथ को इंसिजर केनाइन प्रीमोलार्स एंड मोलार्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, लेकिन अगर आप एक 17 ईयर ओल्ड को देखो या एक एडल्ट को देखो तो उनमें बस आपको मोलार्स में एक डिफरेंस दिख रहा है, एक एक मोलार एक्स्ट्रा यहाँ पर. ओके, एक एक मोलार. बेटा किसी का माइक ऑन है प्लीज आंसर जब दोगे तभी माइक ऑन रखो, अदरवाइज माइक म्यूट कर दो. ओके, तो जो एडल्ट है उनमें मोलार 3-3 दिख रहे हैं और उनसे छोटे जो है एडल्सन की एज में जो है उनमें क्या कितने दिख रहे हैं 2-2 दिख रहे हैं मोलार्स. तो एक एक मोलार, एक मोलार राइट अपर जॉ में, लेफ्ट अपर जॉ में, एक मोलार राइट राइट लोअर जॉ में, लेफ्ट लोअर जॉ में, मतलब टोटल 4. तो थर्ड मोलार को हम बोलते हैं विजडम टीथ. थर्ड मोलार को सिंगल को बोलेंगे विजडम टूथ और 4 होते हैं इसलिए मोलार्स, तो थर्ड जो मोलार्स होंगे उनको विजडम टीथ. मराठी में आप बहुत सारे लोग मराठी जानते हो, आपने बताया था हमने टंग के बारे में जब डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में तब, तो आपको वहां पर हमने वहां पर एक विजडम टीथ को मराठी में बोलते हैं अक्कल दाढ़. ओके, हिंदी में अक्ल दाढ़, ठीक है. तो जो अक्कल दाढ़ बोलते हैं वो है ये विजडम टीथ. ओके, सिंगल को टूथ, तो वो आना यहाँ पर बाकी रहता है. वो जनरली 17 ईयर के बाद में ही आना शुरू हो सकता है, मतलब 18 या मोर देन 18 ईयर के बाद में ही. किसी किसी में 25 ईयर तक आ जाता है, किसी किसी में 35 ईयर्स की एज तक आता है, डिपेंड करता है, वो अलग अलग टाइम वहां पर. ओके, तो कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन देखे गए हैं, कुछ फ्यू एक्सेप्शन जिनमें की 18 ईयर्स के बिफोर भी जो है विजडम टीथ आ गया है. ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि विजडम टूथ आ गया तो अक्कल आ गई. ये कुछ उसको रिलेट किया गया उस एज के साथ में, क्योंकि इस एज के आसपास में मैच्योरिटी आ जाती है, डिसीजन पावर आ जाती है, हार्मोन्स का लेवल जो है वो बॉडी में मेंटेन होने लग जाता है, जिसके कारण की स्टेबिलिटी आ सकती है. और इस टाइम पर कोई अगर प्रॉपर जो है उसने अगर प्रॉपर लर्न किया है, प्रॉपर बहुत सारी चीजों से सीखा है, एक्सपीरियंसेस से सीखा है,
तो एक वो अच्छा डिसीजन ले सकता है, मैच्योर डिसीजन, तो इसको मैच्योर डिसीजन रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जो इवन ज्यादा एज हो जाने के बाद में भी अपने डिसीजन प्रॉपर उस मैच्योरिटी के साथ में नहीं ले पाते, ठीक है। इसलिए इसलिए आपको बोला जाता है कि जब तक आपकी 18 इयर्स तक की कम से कम एज ना हो, तब तक आपके ज्यादातर डिसीजन जो है वो आपके गार्जियन या पेरेंट्स ले तो ज्यादा अच्छा है। आप उनको अपने या फिर आप अपने जो भी डिसीजन होंगे वो डिसीजन लेने के पहले उनके जो है वो चीजें सुन सकते हैं, ताकि आप प्रॉपर डिसीजन ले सको। क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा हार्मोन्स के बारे में भी, तब भी बताऊंगा कि आप भले कितने ही होशियार हो, कितने ही समझदार हो, लेकिन जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है उसके कारण जो है कभी कभार जो है हमारा पूरा ब्रेन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता कभी कभार प्रॉपर, और उस कारण कभी कभार जो है वो डिसीजन आप इमैच्योर डिसीजन ले सकते हैं, ओके। तो देयरफॉर इसलिए पेरेंट्स को आपके कोई भी डिसीजन में इन्वॉल्व करना ज्यादा अच्छा है, आप उनके सजेशन सुन सकते हैं ताकि आप अच्छा डिसीजन ले सकें, ओके। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते थे। यहाँ पर बस मोलार वाला जो है वो डिफरेंट है, तो 2 1 2 3, तो यहाँ पर देखो परमानेंट टीथ में 2 1 2 3, एड करो इनको, कितने हो गए हाफ अपर जॉ में, हाफ अपर जॉ में हो गए, ओके, हाफ अपर जॉ में हो गए 8। तो हाफ अपर जॉ में 8 है तो पूरे फुल जॉ में कितने होंगे, 16, फुल जॉ में हो जाएंगे 16। ऐसे ही अब लोअर जॉ की बात करते हैं, तो हाफ लोअर जॉ में 8 करो, 8, तो फुल लोअर जॉ में कितने हो गए, 16, टोटल कितने हो गए, 32, परमानेंट टीथ 32 होते हैं। अब एडल्सन की एज में यहाँ पर काउंट करते हैं, यहाँ पर बताओ हाफ अपर जॉ में कितने हो गए, 7, पूरे फुल अपर जॉ में कितने हो जाएंगे, 14, लोअर जॉ में भी 7, लोअर कंप्लीट फुल में कितने हो जाएंगे, 14, 28, फुल लोअर जॉ में भी 14, और टोटल नंबर ऑफ टीथ एडल्सन में कितने हो गए, 28, therefore हमने कहा था ये 28 teeth, इधर 32 teeth, इधर 10 plus 10, 20 teeth. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप लोग, और कोई डाउट हो कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। डन, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, सर? यस बेटा, सर जो टीथ के नंबर 32 रहते हैं तो वो उसके ऊपर जाते हैं कि सर 32 तक के रहते हैं, टीथ के नंबर 32 होते हैं, इतना तो मुझे क्लियरली सुनाई दिया बेटा, लेकिन थोड़ा सा लाउडली बोलो, कैरेक्टर ही हमारा वैसा है, ओके? हमारे टीथ का नंबर 34, 36 ऐसा नहीं हो सकता, ये अगर किसी में अगर म्यूटेशन हो जाए, चेंज हो जाए जीन में, ओके, तो उसमें वहां पर टीथ का नंबर मिल सकता है, लेकिन ऐसा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ओके? तो इसके लिए वहां पर जनरली आप 32 टीथ ही होते हैं, कभी कभार कुछ लोग अपने मोलार या प्री मोलार को एक की बजाय 2 कंसिडर कर लेते हैं जब काउंट करते हैं तब, ओके? तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि वहां पर किसी पर्सन में 32 टीथ से ज्यादा हो, लेकिन अगर किसी में म्यूटेशन हो जाए, जैसे कि यूजुअली फिंगर्स का नंबर कितना होता है एक आर्म में,
फाइव होता है, लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा किसी को फोर है या किसी को सिक्स है ना, पॉलीडेक्टाइली का केस होता है, वो जेनेटिक डिफरेंस है बेटा, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, जेनेटिक मतलब चेंज है वहां पर, है ना, एनामोली वो गड़बड़ी है। तो ऐसा कुछ वहां पर म्यूटेशन से अगर ऐसा किसी में हो जाए तो फिर नंबर बढ़िया कम हो सकता है। बट हम आपको अगर कभी भी पूछा क्वेश्चन एग्जाम में, ओके, तो बचपन में अगर आपको कितना भी पूछा हो तो आपने सिक्स या सेवन तो नहीं बोलोगे ना करेक्ट आंसर के लिए, फाइव ही बोलोगे फिंगर्स का नंबर एक आर्म में, ओके। तो इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे एडल्ट टीथ, तो 32 ही लिखना है आपको आंसर, 33 और 34, 31 ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट थ्योरेटिकली जो है वो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी में म्यूटेशन हो जाए तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया है, ओके? समझ में आया क्या बेटा जिसका क्वेश्चन था? Yes. चलो स्क्रीनशॉट भी हो गया होगा, किसी का बाकी है? ओके, तो ये हो गया ह्यूमन डेंटिशन के बारे में, बी वाला डायफायडॉन भी, लास्ट है थीकोडॉन। थीको, थीका मतलब वॉल, सेप्टम, थीका, इसका मतलब होता है वॉल से रिलेटेड, सी थीकोडॉन। थीका मींस रिलेटेड टू वॉल। तो ऐसे टीथ जो किसी वॉल के अंदर है, किसी स्पेसिफिक लेयर के अंदर है, ओके, डीपली बरीड है किसी लेयर के अंदर, ऐसा दिखते हैं, उनको हम थीकोडॉन टीथ बोलेंगे। तो हमारे पास में गम्स है, जॉ के ऊपर गम्स है, और गम के अंदर, गम सॉकेट्स के अंदर टीथ होते हैं, तो टीथ उस गम सॉकेट को फाड़ करके बाहर ऊपर की तरफ आते हैं, मतलब इनवर्ड टू आउटवर्ड ग्रो करते हैं हमारे टीथ, ओके। बचपन में जब पहली बार टीथ आते हैं किसी बच्चे को तो उसको बहुत परेशानी होती है, ओके? तो क्योंकि वो उसकी पहली बार उसके गम को फाड़ करके टीथ बाहर आते हैं, इरप्ट होते हैं, थीका और वॉल। तो हमारे जो टीथ है, टीथ found inside gum sockets. Are termed as thikodon. Human being में teeth gum sockets के अंदर होते हैं, इसलिए human being के teeth thikodont condition वाले होते हैं। हमारे teeth का dentition हो गया heterodont, diaphyodont and thikodont. एक टीथ का अगर हम यूजुअली स्ट्रक्चर में आपको बताओ, जनरली आपको आप 8-9-10 में पूछा जाता है, अब 11-12 में नहीं पूछा जाता है इसको, ये अब 8-9-10 के सिलेबस का बना दिया गया है। जैसे मैंने एक केनाइन बनाया है यहाँ पर, एक केनाइन ड्रॉ किया, इस केनाइन में शार्प टीथ है, ये गम सॉकेट, ये गम सॉकेट के अंदर है, और जो पार्ट जो गम सॉकेट के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं रूट। टीथ का वो पार्ट जो गम सॉकेट के अंदर है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फिर
रूट है। जो ऊपर है गम सॉकेट के ऊपर है उसको क्या फिर हम स्टेम बोलेंगे? नहीं, इसको हम बोलते हैं क्राउन। क्राउन ऑफ रूट, ओके, ये क्राउन। अब क्राउन के ऊपर एक येलोइश कलर की मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, शाइनी ट्रांसपेरेंट येलोइश टिंज वाली मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इट इज कॉल्ड एज एनामल, इसको हम बोलते हैं एनामल ऑफ टूथ। वो थीन मेम्ब्रेन होती है, ट्रांसपेरेंट थीन, जिससे हमको टूथ का इसके पीछे वाला पार्ट दिखता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट, इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन आवर बॉडी। ओके, एनामल इज द one of the hardest substance found in our body. लेकिन ये बहुत थीन लेयर वाला है, हार्डेस्ट है, और इसी के कारण हम बहुत सारे चीजों को तोड़ पाते हैं, और ये हमारी बाकी का जो टूथ का दूसरे पार्ट है उसकी प्रोटेक्शन करता है। अंदर की तरफ यहाँ पर एक बड़ी लेयर होती है थिक, इट इज कॉल्ड एज डेंटाइन। अंदर ये जो पार्ट है टूथ का बड़ा पार्ट बनता है जो व्हाइटिश होता है, इट इज कॉल्ड एज डेंटाइन। डेंटोब्लास्ट सेल से बनता है, ओडोन्टोब्लास्ट, ओडोन्टोसाइट, ऐसी डेंटोब्लास्ट सेल होती है, और इनेमल बनता है अमाइलोब्लास्ट सेल से। वो पहले पूछे जाते थे, पुराने सिलेबस का पार्ट है, अब नहीं पूछते आपको, आपको बस अभी राइट पार्ट कौन सा होता है, तो डेंटाइन येलोइश थिन मेम्ब्रेनस पार्ट जो हार्डेस्ट होता है हमारी बॉडी में, तो इनेमल। इसके अंदर कैविटी होती है, और इस कैविटी के अंदर यहाँ पर ब्लड सप्लाई करने वाली, रूट से ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स आती है आर्टरी के फॉर्म में और जाती है वेन के फॉर्म। ओके, और इसी तरह से नर्व, नर्व एंडिंग भी रहते हैं यहाँ पर। ओके, नर्व्स भी होती है, तो आर्टरी, वेन, नर्व, ये तीनों सप्लाई होती है टूथ को। ये हो जाएगी वेन, वेन को ब्लूइश ही क्यों जनरली दिखाते हैं बेटा, कोई बताएगा? आर्टरी क्योंकि उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, CO2 ज्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए उसको ब्लूइश कलर भी वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी भी जो है वो ग्रीनिश ब्लूइश कलर की जो है वो वेन्स दिखती है। और ये है नर्व, ओके, नर्व, नर्व मतलब ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जो क्रैनियल नर्व है, ओके, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, इस तरह की नर्व्स यहाँ पर आती है, तो ट्रॉक्लियर नर्व, ये ब्रेन से नर्व आती है, इसलिए इसको क्रैनियल नर्व बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन क्रैनियम के अंदर होता है, इसलिए वहां से जो नर्व्स आती है उनको क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। ये क्रैनियल नर्व है, और जैसे ही टूथ डिके होता है, कैविटी हो जाती है, जैसे ही ऊपर एनामल टूटा, डेंटाइन टूटा, तो यहाँ पर एक होल हो गया,
इसको हम बोलते हैं टूथ में कैविटी हो गई। तो ये जो कैविटी है यहाँ तक, तो जैसे यहाँ पर फूड आता है, फूड का पार्टिकल यहाँ पर जाएगा और इनको टच करेगा और सेंसेशन फील होगा फिर हमको, जो नर्व के कॉन्टेक्ट में आएगा। और अगर इस फ्रिक्शन में या फिर कोई पर्सन ऐसा है कि उसको वो फूड का पार्टिकल निकालने के लिए किसी शार्प चीज को यूज कर रहा है, निडल वगैरह को यूज कर रहा है जैसे, तो उस निडल वगैरह से ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है और ब्लड ऊज आउट हो सकता है, ब्लड बाहर निकल सकता है। ओके, तो ये जो डेंटल केरी होती है, जो डिके हो जाता है उसको बोलते हैं डेंटल केरी। सिंगल को कैरी और मेनी को कैरीज, डेंटल कैरी जो हो जाती है इसमें कैविटी तक रप्चर अगर हो गया तो डेंटल कैरीज जो है वो आगे और जो है वो टूथ का डिके कॉज करवा सकती है। ओके, इसलिए एक मटेरियल को, केमिकल को यहाँ पर फिल कर दिया जाता है जिसको रूट कैनाल वगैरह इस तरह से टर्म देते हैं। ओके, और उस मटेरियल को जनरली डेंटिस्ट सीमेंट ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सीमेंट जैसा हम देखते हैं कि सीमेंट जो है ब्रिक्स को जोड़ता है, ओके, गैप को फिल करता है, उसी तरह से डेंटल केरी बनने के कारण जो गैप है वहाँ पर उसको वो फिल कर रहा है, इसलिए उसको डेंटिस्ट सीमेंट ऐसा बोला जाता है। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, कल हम पढ़ेंगे फैरिंग्स, लैरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक के बारे में। डन, किसी को कोई डाउट है? हो गया बेटा यशस्वी? और कोई और दूसरा स्टूडेंट ले रहा हो स्क्रीनशॉट? ओके, चलो बेटा बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय बेटा। सर। यस बेटा। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया तो मेरे को पूछना है सर, हम 8, 9, 10 का बेसिक कर रहे कि 11, 12?